जी व्यूअर्स, ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और हमारे साथ बैठे हैं अली मोहम्मद साहब और आप लोग इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी हाइपरटेंशन पे बात करें। अच्छा, कौन से मून साइंस जो हैं, हम तो मून साइंस के बारे में बात करते हैं, हाइपरटेंशन से रिलेट किया जाता है? देखिए, उन्हें सबसे पहले तो लियो है। ऑफ अल्लाह, लियो है मून है। ठीक लियो है, उसके इसके अलावा कैंसर है। अच्छा, कैंसर, वो तो इमोशनल लोग होते हैं। हाँ, कैंसर असल में सेंसिटिव भी बहुत होते हैं ना। देखें जो मतलब जैसे कुछ साइंस हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको जैसे मून मतलब कैंसर का जो लॉर्ड है वो मून है। लियो तो रिलेटी हार्ट से करता है सन। इसी तरह से पाइसिस है, पाइसियन बहुत ज़्यादा इस मामले में है सेंसिटिव। लिब्राज बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा लिब्रा भी आप देखें कि लिब्रा को स्कॉर्पियंस कैंसेरियंस स्कॉर्पियन नहीं है, स्कॉर्पियंस नहीं है, स्कॉर्पियंस नहीं है। देखें वजह ये, अच्छा इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी ये कि जो लिब्रा है और टॉरस है, ये दोनों वीनस के साइन है। लिब्रा को लिया जाता है किडनी से, लिब्रा को लिया जाता है किडनी। ओहो, तो वो किडनी का ताल्लुक आप ये मेडिकली भी जो मतलब बात हो रही थी, आपकी बात हो रही थी, और एस्ट्रोलॉजिकली भी ये कि लिब्रा लोगों को हार्ट अटैक के बहुत चांसेस होते हैं। अच्छा, लिब्रा जो बॉडी के डिफरेंट साइन को डिफरेंट ऑर्गन से रिलेट किया गया, जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि एरीज को सर से, टॉरस को गर्दन से, जेमिनाई को बाजुओं से, कैंसर को स्टमक से। एक और है, काफी देर से वेट करिए, ले ही लेते हैं हम उसे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं खालदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी खालदा, क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपने बारे में पूछना चाहती। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12 मार्च 1967। कहाँ पैदा हुए? कराची में। और टाइम ऑफ बर्थ है वो 2:45 AM है सुबह। आप इस तरह कर लें अली साहब से कि मैं जो हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं सिंगल हूँ, तो वो उनको शायद आइडिया हो जाएगा क्या है। ऐसे आइडिया हो जाएगा कि सिंगल है। हाँ, चले इससे पता चल जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ क्या पता है? लाहौर। प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर। प्लेस ऑफ बर्थ कराची। कराची, कराची। हाल तो क्या पूछना चाह रही है? मैं अपनी हेल्थ के बारे में पूछना चाहती हूँ, खास तौर पे अपने आई साइट के लिए। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम काफी पहले हुआ था ना, जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, तो उसके बाद अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है मैं वीनस के उसमें चल रही हूँ, तो खुद ही बताए भी। बिल्कुल सही कह रही हैं, इनकी वीनस की महादशा चल रही है। आपकी वीनस की महादशा चल रही है जी। खुद भी मुझे इनके राचे से लग रहा है कि खुद भी एस्ट्रोलॉजी जानती हैं। अच्छा, आप थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानती हैं? थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी। अच्छी खासी एस्ट्रोलॉजी जानती हैं? नहीं नहीं नहीं, इतना कोई खास नहीं मैं जानती हूं, लेकिन ये कि मुझे इतना आईडिया है। मॉडेस्टी। हां, मॉडेस्टी। थोड़ा थोड़ा असल में थोड़ी सी नॉलेज भी खतरनाक होती है ना। सही सही, हम आपको बाकी नॉलेज बताते हैं। ठीक है, मुझे आईसाइड और अपनी वैसे सेहत के बारे में जानना चाहती हूं कि मेरी कैसी रहेगी इन फ्यूचर ना। बड़ी हैरान कुन बात यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये कि एस्ट्रोलॉजी पे इतनी डीप रिसर्च नहीं है, लेकिन यूके में, यूएसए में और कंट्रीज में भी इंक्लूडिंग इंडिया एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च है। मेरे पास एक दफ़ा एक चैनल पर मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे पास एक ट्रिपलेट्स की कॉल थी, मदर थी उनकी, ट्रिपलेट्स थी, तीनों के सेम टाइम ऑफ बर्थ था और उनके बारे में प्रेडिक्ट करना था। एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था, लेकिन उसकी टेक्निक बिल्कुल सेम टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन एक मिनट का भी फर्क नहीं। हाँ, नहीं, मिनट मिनट का फर्क था, मिनट मिनट का फर्क था, आप मतलब दो दो मिनट का, तीन तीन मिनट का फर्क था, तो वो इतना नहीं। लेकिन देखिए, ये जो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं बेसिकली एक ये मतलब नॉर्थर्न पार्ट की एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। एक जो लेटेस्ट जो एक एस्ट्रोलॉजी की जो मतलब तहकीक करके और पुरानी चीजों को मिला के निकाला गया, केपी सिस्टम एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, इसीलिए हम लोग देखते हैं अक्सर ट्विन्स की ना काफी सारी चीजें एक जैसी होती हैं, लेकिन एक को कुछ हुआ तो दूसरे को भी फौरन हो गया। लेकिन लक में डिफरेंस होता है, लक में डिफरेंस होता है, वो टाइम क्यों। अच्छा, इनका बताएं इनकी हेल्थ का क्या है? और देखिए, इनकी हेल्थ का इशू एक तो ये कि हां, आई साइट तो इनकी वो, अच्छा ये 245 है, 3 है, मैंने इनको 245 ही रखा है। ये सिंगल ही नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल सिंगल ही नजर आ रही है। 245 ही है खालदा? हां जी। तो इसमें ये होता है कि इनकी जो इसमें ये होता है कि हम लोग जायचे के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, निछत्तर होते हैं, एक और चीज़ होती है सब लॉर्ड, जो माइनर सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, वो माइनर लॉर्ड होता है उसका। हाँ, छोटा सब लॉर्ड। हाँ, वजीर। हाँ, नहीं, एक लॉर्ड होता है, एक कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड होता है, एक सब लॉर्ड होता है, और फिर उसके बाद सब लॉर्ड होता है,
ये माइन्यूट डिविजन है, ये यहाँ तक के सेकंड के समय हिस्से तक हम लोग चले जाते हैं कैलकुलेट करते करते करते, उस पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर 5 सेकंड का भी डिफरेंस है ना बच्चे की पैदाइश में तो वो पता चल जाता है, हम उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो इनकी जो पता चल रहा है, एक तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हैं, नो डाउट कि इनके साथ भी काफ़ी हर्डल्स लाइफ में हुए हैं लेकिन एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। आई साइट का इनको इशू नो डाउट रहेगा इनकी, मैंने जैसे कि बता चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में, वीनस इनकी इफ्लेक्टेड है और इनका मेन कंसर्न तो ये कि इनकी हेल्थ का क्या इशू रहेगा। देखिए अभी इनकी वीनस में सन चल रही है, सन और वीनस आपस में एनिमी है, प्लैनेट्स की अपना एनिमिटी भी है और फ्रेंडशिप भी है। जो महादशा है वो सन के अगेंस्ट नहीं, हाँ नहीं, महादशा वीनस की है उसमें अंतरदशा सन की है, क्योंकि एनिमी प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है और दोनों प्लेस्ड भी एक दूसरे से खराब पोजीशन में है, तो उनकी जनवरी 2012 तक तो हेल्थ के इश्यूज चलते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद से ऑनवर्ड जनवरी इनकी मून की शुरू होगी अंतरदशा, तो वो इनकी लाइफ में बेटरमेंट हेल्थ नज़र आती है, इनकी ट्रैवलिंग भी नज़र आती है और इनको ख़ास तौर पे जो है ना वो केयर करना चाहिए ये कि ये एक तो ब्लैक रंग को अवॉइड करें, ठीक है, दूसरा रेड कलर को अवॉइड करना करें, ब्लैक और रेड ये दो कलर जो मेरा कॉम्बिनेशन है ये अवॉइड करें आप टोटली। हाँ, ब्लैक और रेड इत्तेफाक से, लेकिन इनके लिए है आपके लिए कॉल है। जी हमारे पास एक कॉल है, बहुत देर से वेट कर ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ, पूछना ये चाहूंगी कि मेरी बहन के साथ ये मसला था कि उसकी बेटी 11 साल की हो गई थी तो उसको अचानक से प्रॉब्लम हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ और 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर आगा खान में उसकी डेथ हो गई, बेटी की। जी, अब उसका जो बेटा है छोटा, उसका मैं आपको बता रही हूँ डिटेल्स देती हूँ। 24 अक्टूबर 2003, आज उनकी बर्थडे है। जी जी, जुम्मा 1 से 2 बजे के दरमियान दोपहर को, मोहम्मद अली सलमान, ठीक है। तो अब उसको ये लगता है कि शायद ये बच्चा, प्लेस ऑफ बर्थ हैदराबाद। अच्छा, ये खाना वाना नहीं खाता, थोड़ा सा स्लो सा है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है लेकिन उस तरह नहीं है जैसे, और बहन एक और है वो बहुत अच्छा पढ़ती है, अच्छी है इससे। तो उसको लगता है कि मेरे इस बेटे के साथ भी वही प्रॉब्लम है, टेस्ट अच्छा। करवाए हैं एक दो, कुछ पता नहीं चला था कि पहली बेटी के साथ एकदम से क्यों हुआ। नहीं, एकदम से उसको बस छुट्टियों में सर में दर्द हुआ और 2 माह के अंदर अंदर जब यहाँ बताया आकर डॉक्टर को तो उन्होंने कहा कि जी अभी अभी डायग्नोज हुआ है, पहले से उसमें कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है, सिर्फ ये था कि थोड़ा डल महसूस होती थी। अच्छा, ये भी डल हो रहा है, डॉक्टर गफार बिल्लू से इसका इलाज हो रहा है, खाना नहीं खाता, तो वो लग रहा है उसकी माँ को ये लगता है कि इसके साथ भी वही मसला है और उनके घर में ये बच्चा सबसे बड़ा मसला है क्योंकि एक ही बेटा है। आप प्लीज इस बारे में जरूर बताएं। चले, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अली। क्या है? देखिए, इनके दहचे में जो प्लेनेटरी इंडिकेशन है वो ये शो करता है कि मतलब औलाद का सुख ना होना, औलाद की हाले से डिस्टर्बेंस, ये उनके बेटे का है, ये मतलब ये तो उनके बेटे का है लेकिन मदर के, मतलब मदर का इनकी जो मदर, हाँ, इनकी जो मदर के साथ रिलेशन होगा तो मदर इनकी वजह से हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगी। अच्छा, तो वो इनकी देखें ये होता है 4th हाउस को जैसे हम मदर से लेते हैं, 10th हाउस को फादर से लेते हैं, तो हम जब किसी की मदर को देखते हैं तो 10th हाउस का रेफरेंस विद दैट पर्सन, इसका इसकी वजह से इसकी माँ को, मतलब अगर हम 4th हाउस के देखेंगे, अगर टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, लेकिन क्या इनका लग रहा है कि इनका भी ऐसा कोई इशू है? नहीं नहीं, ऐसा इशू इनका असल में अभी जो प्लेनेटरी पीरियड चल रहा है इनका वो मार्स का चल रहा है, मैलिफिक, और वो बहुत ही खराब पड़ा हुआ है दहचे में। इनको चाहिए कि एक तो लाल कपड़े का सदका करें ये मंगल को, अच्छा हर मंगल को करें, अदरवाइज ही इज फाइन। हाँ, बाकी कुछ प्लेनेटरी पोजीशन असल में खराब है, मेजर प्लेनेट्स जो हैं वो मैलिफिक हाउसेज में पड़े हुए हैं और खासतौर पर वो खुद प्लेनेट भी मैलिफिक ही हैं। एक ही होता है कि एक आदमी जो है बहुत अच्छा नेक आदमी है वो किसी मुसीबत में होगा और एक आदमी बदमाश अगर मुसीबत में पड़ जाएगा तो वो खुद अपनी बदमाशी करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब देखें ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो मैलिफिक प्लेनेट जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो वो रायचे, जिसका रायचा होता है उसके लिए भी इशूज क्रिएट कर देते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ के इशूज हो गए। जैसे इनको चाहिए एक तो वही बात कि इनको लाल रंग का कपड़ा सदका करना चाहिए, हर मंगल को करें 8 मीटर, अगर हर मंगल को नहीं कर सकती तो एक दफ़ा करें, उसके बाद हर मंगल को मसूर की दाल का सदका करें, मसूर की दाल का। जी जी, दूसरा ये कि कोशिश ये करें कि मंगल को, अब बच्चा छोटा है तो वो नहीं कर सकते, ब्लड तो डोनेट नहीं कर सकते, बच्चा छोटा है,
तो अब ये करें कि इसके ऊपर से बड़ा हो जाए तो बड़ा हो जाए तो एक दफा मंगल को ब्लड डोनेट कर दे। अच्छा मैं बस एक और अच्छा कुछ और भी बताना बताना चाह रहा था इनके लिए ये कि ये खास तौर पे जो है ना पुखराज का येलो सफायर का पत्थर पहने बहुत ज़रूरी है इनके लिए। दूसरा ये कि इनको हर मंगल को इनके ऊपर से जो है ना कलेजी के नौ टुकड़े करके किसकी कलेजी गाय की कलेजी मुर्गी की कलेजी जितने भी रेमेडीज होती है ना वो एटलीस्ट जो लॉजिकल क्वेश्चन क्वाड्रपेड उनके ऊपर से नौ टुकड़े करके ना मंगल को सदका करें नौ टुकड़े करके हाँ जितनी भी कलेजी लें उसके नौ पीस करके उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चीलों को डाल दें एवरी ट्यूसडे इनको करना है ये फॉर नाइन ट्यूसडेज तक करना और अगर कोई और इशू हो तो मुझसे ये घर के पास नहीं गिरेगा उन्होंने चीले वही रहना शुरू कर देंगे। हाँ ये होता है हमारे पास एक कॉल है अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉल ड्रॉप हो गई चले जी आई एम सो सॉरी आप दोबारा कॉल कर लीजिए एक और कॉल है वो अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुड हेल्दी मॉर्निंग कौन बात कर रहे हैं? मैं राहिला बात कर रही हूँ क्रांची से। जी राहिला कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक क्या कहना चाहेंगे? बात हो जाएगी चले कर ले। अस्सलाम वालेकुम खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। अली साहब मुझे अपने शोहर के सिलसिले में कुछ मालूम करनी थी। जी जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितम्बर 1961 कहाँ पैदा हुए? खालिद वसीम कसीम कहाँ पैदा हुए? वाह में पैदा हुए। वाह कैंट वाह कैंट जी ठीक है। टाइम पता है? टाइम नहीं पता मुझे। हाय बड़ा मसला है। उनके जॉब के हवाले से मालूम करना था क्योंकि बहुत हालात खराब चल रहे हैं उनके इदारे के ना तो हमें ये मालूम करना था कि इदारा रहेगा बंद हो जाएगा। नहीं इदारे का तो नहीं पता चल सकता इन्हीं का पता चलेगा इनका ये ऑन जॉब रहेंगे ये ऑन जॉब रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये और ये कि कोई काम करेंगे या बाहर जाने का कोई सिलसिला हो जाएगा और कोई सदके का भी बता दीजिए कि इस हवाले से ठीक है थोड़ा सा बता दें। मैं फोन पे ही जवाब दूंगी क्योंकि हमारी लाइट नहीं है। देखिए एक तो जल्दी से जी जी मैं बता देता हूँ एक तो इनका जो है ना वो है टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। देखें इनका इनका मून कस्प है बिल्कुल 28 डिग्री कैप्रिकॉर्न पे बन रहा है। मैंने सुबह रात को 1:30 बजे डाला है फर्ज करें अगर मैं सुबह 9 बजे डालता हूँ तो फिर वो चला जाएगा एक्वेरियस पे। अरे अब क्या करें ये तो पता होगा रात में हुए सुबह में कुछ इस तरह का आइडिया वो भी नहीं है सुबह में चले कुछ तो क्लू मिला एक्वेरियस में डाल दें। मून इन एक्वेरियस हो गया इनका। देखिए अभी पिछला साल जो था 2010 9 से 10 तक इनके लिए काफ़ी बेहतर था। 2010 के बाद इनके जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन और ओवरऑल अगर इनके करियर को देखें जो भी प्रोफेशन में इश्यूज उनके 2010 के सितंबर के बाद स्टार्ट हुए हैं ऐसा है उनके साथ। जी क्या हाँ और इनके लिए ये कि ये एक तो ओपल का स्टोन पहने वीनस इनकी बहुत वीक पड़ी है इनको जो है ना डायबिटीज़ के भी चांस बन सकते हैं। ऐसा नहीं, है फैमिली में भी नहीं इनकी फैमिली की हिस्ट्री नहीं है। अच्छा लेकिन इनको जो है ना आप कॉमनली देखती होंगी यूरिनेशन का प्रॉब्लम ज्यादा रहता होगा यूरिनेशन के वाले से ये बहुत ज्यादा हाँ वो है इनको ब्लड प्रेशर भी है ब्लड प्रेशर भी यूरिन का प्रॉब्लम भी है इनको थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है लेकिन कोई बीमारी नहीं है सामने। कैश देखें एक इंडिकेशन होती है रैचा इनका बता रहा है कि इनको पास्ट फ्यूचर में जाके सॉरी डायबिटीज होने के चांसेस हैं तो आप इनकी डायबिटीज को चेक करवाएं मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि रैचे में डायबिटीज हो। अच्छा, दूसरा ये कि हार्ट का प्रॉब्लम भी इनके लिए बहुत खतरनाक है। इनको जॉब का बताइए जॉब के लिए इनके लिए देखें ये साल तो बहुत ही सही नहीं है नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद थोड़ी सी बेहतरी आएगी। ऑन जॉब रहेंगे या वो जगह ही पता चल जाएगा ना जुलाई के बाद इनकी जॉब चेंज हो जाएगी तो इस नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद जी। अच्छा तो ये कहीं बाहर का कोई है सिलसिला अभी तो फिलहाल नहीं है कारोबार ये कर सकते हैं ये टेक्निकल नॉलेज रखते हैं टेक्निकल चीजों की रखते हैं टेक्निकल फील्ड में ही है टेक्निकल फील्ड में ही नॉलेज भी उनके पास सीखी है तो टेक्निकल चीजों से रिलेटेड काम कर सकते हैं ये कर सकते हैं जी बिल्कुल ठीक है जी। इसी हवाले से जॉब हो सकती है हाँ जॉब भी हो सकती है और बिजनेस करना वैसे इनके लिए सुटेबल नहीं है ये जॉब ही करेंगे बिजनेस करने सदका इनके लिए ये कि ये फ्राइडे को मीठी मीठी कोई आप वो बना दें मीठे चावल लेकिन वो सफ़ेद होने चाहिए जो मतलब अपना जो डालते हैं खोया वगैरह डाल के बनाते हैं ना चावल मीठे वो जी जी सफ़ेद चावल वो बना के मीठे मतलब सफ़ेद वो इनको डोनेट करें छोटी बच्चियों को फ्राइडे के दिन ओपल का स्टोन पहने। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा कॉल करते रहिए हम अभी वापस आ रहे हैं।